बागमारा के कतराज कॉलेज के समीप सरकारी जमीन पर बना एक घर का मुद्दा जो कई वर्षों से छाया हुआ था, क्योंकि यह जमीन सरकारी जलापूर्ति कार्यालय का था जिस पर बना सरकारी भवन को सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा गया था और फिर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर उस पर अपना एक करकनुमा घर बना लिया था। आज पूरी व्यवस्था के साथ घर को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान बागमारा सीओ के सिंह उपस्थित रहे। इसी बीच अतिक्रमणकारी के द्वारा हंगामा भी देखने को मिला। बताते चले कि विगत कई वर्षों से इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया गया था, पर आज इस कार्य में सफलता मिली है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीओ ने कहा कि अतिक्रमण के इस मामले में गत 2019-2022 से न्यायिक प्रक्रिया जारी था, जिसके आलोक में माननीय न्यायालय से अंततः 2023 जनवरी में पुनः आए आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ मिस्टेक हो सरकारी जमीन पर जो कर्मन अतिक्रमण करेगा, आप लोग आवेदन करें, बागमारा अंचल अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी व अभियान बागमारा में लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमण का मामला था, आज चढ़ेगा 2019-20 में वार्ड संख्या 3/2019-20 के तहत ये वार्ड चलाया गया था अंचल कार्यालय के द्वारा। इसमें सरकारी अमीन और हल्का कर्मचारी के द्वारा ये प्रतिवेदी थे कि ये गैराबाद खाते की भूमि है, इनके द्वारा अवैध रूप से इस पर दखल किया गया है लगभग 2 डिसमिल जमीन पर। खाता संख्या 312, प्लॉट संख्या 674 और 2 डिसमिल जमीन रंजीत शर्मा पिता स्वर्गीय धूमन शर्मा और गुड़िया देवी पति श्री रंजीत शर्मा, इनके द्वारा इनको कई बार नोटिस किया गया। नोटिस करने के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण से नहीं हटाया गया। ये 2020 में इनको नोटिस किया गया, 21 में नोटिस किया गया और 1-2 दोनों नोटिस हो चुका था। इसके बाद ये मामला जो है कंप्लेनेंट लेकर के चले गए कोर्ट में, जिसमें WPC 1981/2022 इसमें स्टेट ऑफ झारखंड डिप्टी कमिश्नर धनबाद, सब डिविजनल ऑफिसर धनबाद और सर्किल ऑफिसर धनबाद को पार्टी बनाया गया, जिसमें जो चार जो है 16 अगस्त 2022 का है, इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये निर्देश था कि कंसीडरिंग द सेफ साइड एस्पेक्ट ऑफ द मैटर लर्नेड AC-2SC-3 इज डायरेक्टेड टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट नंबर 4। रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 मतलब सर्किल ऑफिसर बागमारा विद इन अ वीक एज टू वेदर द एफोर्सेड प्रोसीडिंग हैज बीन कंक्लूडेड बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 एंड इफ नॉट फॉर व्हाट जस्टिफिकेबल रीजन। मतलब अंचल अधिकारी के द्वारा ये रिकॉर्ड कंप्लीट किया गया है कि नहीं, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। उसके बाद फिर कोर्ट ने 1 जनवरी 2023 इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 इज डायरेक्टेड टू रिमेन फिजिकली प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट फिक्स्ड डेट पुट ऑफ दिस केस अंडर द सेम हेडिंग ऑफ 20 फरवरी को इसमें मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, इसमें जवाब देना है कि सर आप एक चीज़ बताए कि ये जो धूमन जो बढ़ी है ये शर्मा है कि उसका जमीन जो है एनएचआई में गया था, ठीक है, उसके बाद वही गैराबाद जमीन में उसी के परिजन बसे हुए थे, ठीक है, वह गैराबाद खाते के थे, ठीक है, उनकी जमीन नहीं, उसकी जमीन पहले एनएचआई में रोड जमीन अधिगत हुई थी तो उसमें जमीन गई थी, उसका मुआवजा भी मिला था।
देखिए मुआवजा एन एच आई में दो तरीके का मिला है, जिनकी रहती जमीन है उनका मुआवजा मिला है एज पर रूल, और मीटिंग ऑन 20 फरवरी को इसमें मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें जवाब देना है कि ये टिकट। सर आप एक चीज़ बताएं कि ये जो धूमन जो बढ़ई है ये शर्मा है उसका जमीन जो है एनएचआई में गया था, ठीक है, उसके बाद वो गैराबाद जमीन में उसी के परिजन बसे हुए थे, ठीक है, वह गैराबाद खाते के थे, ठीक है, उनकी जमीन नहीं थी, उसकी जमीन पहले एनएचआई में रोड जमीन अधिगत हुई थी तो उसमें जमीन गई थी, उसका मुआवजा भी मिला था। देखिए मुआवजा एनएचआई में दो तरीके का मिला है, तो जिनकी रहती जमीन है उनका मुआवजा मिला है एज पर रूल, और दूसरा जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जो उनकी जमीन नहीं भी है और कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो कंस्ट्रक्शन का पैसा दिया गया है नीचे। अच्छा ये सर जो गैराबाद का जो अभियान जो चल रहा है ये कहाँ तक पूरा बागमारा में गैराबाद का जो जहाँ बहुत बहुत ये तो लगातार हम लोगों के द्वारा इसमें प्रोसीडिंग भी चलाई जा रही है और इंस्पेक्शन भी लिया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस तरह से गैराबाद जमीन पे बसने का और घेरने का अधिकार किसी को अभी तक नहीं किया। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई क्या हुई है? अभी अतिक्रमण हटा, जिन लोगों को हटाया गया उनके लिए क्या व्यवस्था किया, उनके लिए गैराबाद में रहने की व्यवस्था पर टाइमिंग किया गया, अगर वो वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहें। उसका बात तो बोलिए सरकार जमीन जो होता है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए नगर निगम कार्यालय म्यूनिसिपल कमिश्नर सर के यहाँ आवेदन दें, अगर उनके यहाँ प्रधानमंत्री आवास सेंसर हो जाता है तो उनके लिए आगे किसी के लिए। जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसके इर्द गिर्द आमने सामने बहुत से अतिक्रमण भवन हैं, मार्केट्स बनाए गए हैं, उस पर कब तक लगातार चल रही है कार्रवाई? उसमें कंद्रास हटिया का भी मामला आया था हमारे संज्ञान में, उसमें भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी आपको।